कराची से दुबई जाने वाली परवाज कई घंटे ताखीर का शिकार है। परवाज के मुसाफिर कराची एयरपोर्ट पर रुल गए हैं। फ्लाई दुबई की परवाज FZ330 रात 1:05 शेड्यूल थी। दुबई जाने वाले मुसाफिर एयरपोर्ट पर जलीलो खार होकर रह गए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जावेद बताइएगा, कोई नया फ्लाइट स्केड्यूल दिया गया? देखिए, फ्लाइट इंतजामिया की जानिब से अब मुसाफिरों को जो नया टाइम दिया गया है, ये फ्लाइट दुबई इंतजामिया की तरफ से परवाज रवानगी का नया टाइम दिन 12 बजे दिया गया है और इस परवाज को रात 1 बजे शेड्यूल थी और मुसाफिरों को दो बार जहाज में सवार करके उतारा गया। और मुसाफिरों का और अमले के हवाले से कहना है कि फ्लाइट दुबई की परवाज के जहाज के इंजन में अचानक टेक्निकल फॉल्ट पैदा हो गया, जिसकी वजह से परवाज बेकअप ना कर सकी और जहाज के इंजन को ठीक करने के लिए लेकर दूसरी परवाज दुबई से कराची पहुंच गई है। और कराची से दुबई जाने वाली ये गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज जो है ताहाल ताखीर का शिकार है। मुसाफिरों ने 24 न्यूज से गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि परवाज के मुसाफिरों से एयरलाइन का रवैया गैर मुनासिब है और रात 1 बजे जाने वाली परवाज ताहाल रवाना नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किल का सामना है।